हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सज्जाद अली वसान, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, अज असांजी जेकी टॉपिक आहे उहा है डीएनए रिप्लिकेशन, याने रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, याने डीएनए जो हिक मां ब थियण। हिकु डीएनए उन मां ब मालिक्यूल, हिकु डीएनए जे मालिक्यूल मां ब डीएनए जा मालिक्यूल थियण, याने रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो असां ॿिए लफ़्ज़ में चवंदा आहियूं त सेल्फ सेंथसिस ऑफ डीएनए मालिक्यूल्स, याने डीएनए मालिक्यूल्स जो सेंथसिस थियण, हिक मां ब डीएनए मालिक्यूल ठहनि, इनखे चवंदा आहियूं डीएनए रिप्लिकेशन। सवाल पैदा थिए थो त डीएनए रिप्लिकेशन छो थींदी आहे? अगरि डीएनए हिकिड़ो आहे त ठीकु आहे, इनखे कहिड़ी ज़रूरत पई आहे जो इहो रिप्लिकेशन करे थो? सो तव्हां ॿुधो हूंदो त सेलनि में डिवीजन थींदी आहे, यानी सेल डिवीजन थींदी आहे हिक सेल मां। तॾहिं तव्हां ॾिसंदव त हिकु सेल आहे, क्रोमोसोम, यानी सम्झो डीएनए ई पियो आहे हिनजे अंदरि। पोइ जेॾीमहिल रिप्लिकेट कंदो आहे, यानी जेॾीमहिल डिवीजन थींदो आहे, त नतीजे में ॿ सेल ठहंदा, माइटोसिस पहिरीं। पोइ आहे ॾिसो, डीएनए हिकिड़ो आहे न, हाणे हिन डीएनए खे ज़रूरत आहे हिनखे रिप्लिकेशन करण जी, यानी हिकिड़ो सेल हिन में वेंदो, हिकु सेल हिन में वेंदो, यानी सेल थी विया ॿ, डीएनए आहे हिकिड़ो, त यानी हाणे ज़रूरत पइजी वई डीएनए खे छाजी, रिप्लिकेशन करण जी। पोइ हे रिप्लिकेट कंदो, यानी हिकु मां ॿ थींदो, त जीअं इंसाफ़ थी सघे हिन सेलनि सां, पोइ डीएनए जो मालिक्यूल्स कुझु हिन में कुझु में, त जीअं इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मालिक्यूल्स वञी सघनि ड्यूरिंग सेल डिवीजन में। यानी इहो मजबूरी थी वई डीएनए जी रिप्लिकेट करण जे लाइ, छो जो सेल जे अंदरि डिवीजन थिए थी। सो डीएनए रिप्लिकेशन मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त थींदी कीअं हाणे। अच्छा, असां वटि जेको असांजे किताब में जेको लिखियलु आहे, तव्हांजे किताब मौजूदु जेकी डीएनए जी रिप्लिकेशन आहे, उहा ॿिनि अमलनि सां थींदी आहे, यानी ॿिनि तरीक़नि सां रिप्लिकेशन थींदी आहे। हिकिड़े खे चइबो आहे सेमी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन, ॿिए खे पढ़िबो आहे कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन। दोहरायो थोरो, हिकिड़े खे सेमी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन ऐं ॿिए खे कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन। ॿ क़िस्म जूं डीएनए जूं रिप्लिकेशन असांखे किताब में ॾिसण में आयूं न। सो असां ॾिसंदासीं त सेमी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन आहे छा। सो सेमी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ही हिकु पेरेंटल डीएनए जी स्ट्रैंड आहे, मालिक्यूल आहे, ठीकु आहे, डीएनए जो मालिक्यूल आहे जेको आहे छा, पेरेंटल डीएनए। हाणे थींदो छा आहे, हिन मां रिप्लिकेट थींदी आहे, यानी हिकिड़ी ॾिसो, हिकिड़ो स्टैंड हिन मां अलॻि थो थिए, हीउ ख़तमु थींदो, हिन मां ॿ स्टैंड अराइज़ थींदा। हाणे हीअ आहे पेरेंटल स्ट्रैंड, हीअ बि पेरेंटल स्ट्रैंड। हाणे इते जॾहिं हिन जे भरिसां न्यू हिकिड़ी स्टैंड अराइज़ थिए, या उहा फॉर्म थिए, रिप्लिकेट थिए, सो दिस इज़ अ न्यू स्टैंड। हीअ हुई ओल्ड, ओल्ड पेरेंटल स्टैंड। पोइ ओल्ड सां गॾु हिकिड़ी न्यू स्टैंड अराइज़ थी, रिप्लिकेट थी, ठही, त हिन खे असां चवंदासीं इहो आहे सेमी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन। शर्त इहो जंहिंमें जेको आहे सो हिकिड़ी ओल्ड हुजे स्टैंड, ॿी न्यू स्टैंड हुजे। पोइ इहे ॿई स्टैंड मिली करे जेको आहे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ठाहींदा डीएनए जी, पोइ उनखे चइबो आहे सेमी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो बाक़ी बची तव्हांजी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन, थोरो उनखे ॾिसो त सेमी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन कीअं। सो हिनखे असां थोरो मिटाईंदासीं। अच्छा, कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन में छा थींदो आहे, त हिकिड़ी स्टैंड, यानी हिकिड़ो मालिक्यूल डीएनए जो ओल्ड ई हूंदो आहे, साॻियो ई ठहंदो आहे, उन सां गॾो गॾु जेको नओं मालिक्यूल ठहंदो आहे डीएनए जो, उन में जेके स्टैंड हूंदियूं आहिनि, उहे ॿई टोटली नयूं स्टैंड हूंदियूं। हुन में हिकिड़ी ओल्ड बि अचे सेमी कंज़र्वेटिव में, हिकिड़ी अचे बि पेरेंटल जी, पर हिन में जेके आहिनि ॿई छा आहिनि, न्यू स्टैंड आहिनि, यानी न्यू स्टैंड, न्यू स्टैंड हिन में अची वञनि थियूं ॿई, ठीकु आहे, जंहिंमें ॿई स्टैंड न्यू अची वञनि, नओं हिकिड़ो मालिक्यूल डीएनए जो ठही वञे, उन रिप्लिकेशन खे चइबो कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन। सो अॼु ॾिसंदासीं सेमी कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन खे, इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में कंज़र्वेटिव रिप्लिकेशन बि तव्हांखे ॿुधाइबो। सो लेट्स, असां डीएनए रिप्लिकेशन खे ॾिसण जे लाइ, सम्झण जे लाइ, असांजे हिन जे अंदरि चार क़िस्म जा पॉइंट्स, या ईअं चओ त हिकिड़ा फेज़िस थींदा आहिनि। पोइ मैकेनिज़म में असां ईंदासीं, त मैकेनिज़म ॾिसूं डीएनए रिप्लिकेशन जो, त थींदो कीअं। डीएनए रिप्लिकेशन में मेन रोल हूंदो आहे इंज़ाइम्स जो, छाजो रोल हूंदो आहे पुटु, इंज़ाइम्स जो,
यानी अड़ा जरिया खपन वो जरिया हूँ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स चार किस्म जहाँ एंजाइम्स जो रोल अदा कहो जो ड्रिप्लीकेशन कराइंदा यानी असंदी एंजाइम होंगे जैसे अस पढ़ा डीएनए जारेज डीएनए गारेज भी पढ़ा डीएनए जारेज भी इनको कम हों पुट इनको कम हों जी डीएनए में तक नजर अच्छा क्वाइल स्ट्रक्चर आ स्पायरल स्ट्रक्चर लेडर स्ट्रक्चर आज वड़वकड़ इन वड़वकड़ के यो खोली वो जी खुल वो तो स्ट्रेट चेन ठंडी स्ट्रेट डाकन ठंडी पैर स्पायरल हुई स्ट्रेट डाकन टी हाँ जी स्ट्रेट जी कई जैं उन कई गायरेज छो जो ये वकड़ वकड़ हुआ जो डीएनए के स्ट्रक्चर में उन उ कड़ी छा उन अलावा बो डीएनए हेलिकेज नंबर बो जो एंजाइम आए हाँ तक इन अंदर नजर इंद पे तो ये ऐसो स्ट्रक्चर तक ठही वही खोलिया वकड़ जै वकड़ खोलिया उन्हें गारे छोड़ो हाँ इन अंदर बॉन्ड हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो न्यूक्लियोटाइड के विच में हूँ तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जो टोड़ी लाइक अ सीजर वो कम कैंची वो कम कन्न चेन के अलग अलग जो बनाई वो हों डीएनए हेलिकेस डीएनए हेलिकेस ये जो तुझा नजर अच्छा पाया हि बॉन्ड इन बॉन्ड ये टोड़े छी डीएनए हेलिकेस जो कम आ बाकी हुनो छा कम हो डीएनए गारेज जो वो वकड़ खोले पो ही जा तो करे ही जो हाइड्रोजन बॉन्ड उनके टोड़े दो हेलिकेस नंबर ट्यों एंजाइम जो उन्हें अचे तो वह डीएनए पॉलीमरेज़ तमाम कम जो एंजाइम आ तकरीबन जो कम सिंथेसिस जी नई डाटा स्टैंड जी वो सजो कुछ ये डीएनए पॉलीमरेज़ कराइन डीएनए पॉलीमरेज़ जहाँ टे किस्म हूँ यानी डीएनए पॉलीमरेज़ वन डीएनए पॉलीमरेज़ टू डीएनए पॉलीमरेज थ्री हाँ डीएनए पॉलीमरेज वन जो यो टर्मिनस में कम आखिरी आखिरी पॉइंट में यानी जड़ी मल टर्मिनेशन पॉइंट इंदी लास्ट इख्तिताम जड़ी मल सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो उत्ते इन जो रोल हों तक बुझाइंदम तो ये कह अलावा नंबर जो टू आ पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज इनको कम हों रिपेयरिंग डीएनए की स्टैंड के अगर नतीजे में इतने का स्टैंड ठहंदी अची थी का उनमें का गड़बड़ इंदी को पार्ट डैमेज तो उनके रिपेयरिंग जो कम केयर कह डीएनए पॉलीमरेज टू मेन जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री हों उनको मेन कम वो सिंथेसिस कह डाटर स्टैंड के जी नई स्टैंड ठहंदी नवा न्यूक्लियोटाइड जो एड कह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अच्छा लास्ट में चौथों नंबर एंजाइम हों जो कम हों जैसे डीएनए लगेज चबो आ डीएनए लगेज कम हों बाइंड कर जॉइन कर जो न्यूक्लियोटाइड में नंबर टुकड़ा टुकड़ा ठहंदा वा उनके गंढी वो तो जी या सिंगल स्ट्रे निकली ठही वे जो सो डीएनए की सो चार किस्म जहाँ एंजाइम जो कम कन था जिनको रोल है कैमें मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन में सो मैकेनिज्म में अस पढ़ासी पैरों स्टेज या पैरों फेज जो हों उनके इनिशिएशन फेज चबो आगे इनिशिएशन फेज हों वो शुरुआती फेज हों में तो फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन बबल रिप्लिकेशन फोर्क यानी एक बबल्स ठहंदो जैसे अस रिप्लिकेशन बबल ला चूँ बो रिप्लिकेशन फॉर्क ठहंदो हाँ ऐसो तक बुधायो तो शुरुआती फेज में तक डबल स्टैंड डीएनए हेलिकेल की स्ट्रक्चर नजर अचे थी क्वाइल स्ट्रक्चर नजर अचे थी नतीजे में जो तक एंजाइम हो डीएनए गैरेज जो तक बुधा तो डीएनए गैरेज जो कम ओपन कह स्पायरल के इन लेडर जी स्पायरल के कड़ो एंजाइम है डीएनए ये लिखो डीएनए गैरेज ही ही ओपन कन जो क्वाइल स्ट्रक्चर जैसे ओपन कह वो तो नतीजे में ठो एक बबल ठही वो यानी स्ट्रेट चेन में क्वाइल स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में ठही वी उन स्ट्रेट चेन जो नालो रखा अस रिप्लिकेशन बबल पुट रिप्लिकेशन बबल अच्छा तक बुधा छा तो हि जी शुरुआत थी इनिशियल फेज यानी फॉर्मेशन ऑफ फॉर्क रिप्लिकेशन बबल थी वह हर जगह तो नी डीएनए वटा ये बस अंधधुन न है तो जिथा कदा थी वे जो अखियों बुढ़े बस थी वी न इकड़ी मखसूस पॉइंट थी उन पॉइंट जो नालो हों ओरिजन ऑफ रिप्लिकेशन ओरिजन ऑफ रिप्लिकेशन हाँ ऐसो अगर डीएनए स्टैंड में डीएनए की रिप्लिकेशन इन जगह तीणी जगह का हेसी ती अगर थियणी आ तो ये जी पॉइंट आने चबो आ रिप्लिकेशन ऑफ ओरिजन हाँ है तुझो रिप्लिकेशन बबल जगह रिप्लिकेशन बबल ठही हो तो रिप्लिकेशन बबल नतीजे में रिप्लिकेशन फॉर्क भी ठहो यानी दिस इज अ रिप्लिकेशन
फार्क हाँ ही रिप्लीकेशन फार्क आडा रिप्लीकेशन फार्क आ बबल यानी बुधा तो जो शुरुआती फेज आ जो इनिशिएट फेज चूं पाया उनमें फॉर्मेशन ऑफ रिप्लीकेशन बबल्स जैसे डीएनए गारेज ये जो क्वाइल स्ट्रक्चर आने के ट्रंस के ओपन तो करे तो डीए तो थे रिप्लीकेशन बबल तो ठे तो रिप्लीकेशन बबल के ठहण से तो ठे रिप्लीकेशन फार्क भी ठे तो यानी ही थी इनिशियल फेज हाँ थी मां तांके बुधायो ता हाणे हिन जो कम थियो खत्म डीएनए गरेज जो छा हो कम सिर्फ ये क्वाइल के छापियो करे टर्न छापियो करे यो खोलिंदो पने हाणे इते बियो एंजाइम इंदो जो कम आहे जेके चवंदा हो सा डीएनए हेलिकेज हिन जो कम हुंदो आ ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये जेके विच में हाइड्रोजन बॉन्ड हाणे तांके बुधाए छॾियां त हिन जे अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस हुंदा डीएनए जी जेकी स्ट्रैंड आ उन में छा हुंदा पुटु नाइट्रोजनियस बेसिस हुंदा नाइट्रोजन बेसिस हुंदा एडीनोइन साइटोसिन थायामाइन गुआनिन पो जो को एडिनिन हों वो हमेशा थायामिन से बॉन्ड ठाइंदो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ठाइंदो डबल बॉन्ड ठीक है इन करे मां डबल शो किया इतने उन अलावा जो साइटोसिन यो हमेशा बॉन्ड ठाइंदो है गायनिन से जो बॉन्ड ठहंदो वो ट्रिपल बॉन्ड में ठहंदो है नतीजे में हों बॉन्ड हों न तो ये बॉन्ड टोड़ी केर तक बुधा तो बॉन्ड टोड़ जो कम केर कह है यानि रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो कम केर कह लाइक सीजर वो जो कम कह कैंची वो वो कह तो डीएनए हेलिकेज इतने डीएनए हेलिकेज कह है जो इन विच में बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के टोड़े छड़ी जेडी मेल ये बॉन्ड टुटी वो तो हेठ तक स्ट्रक्चर नजर आंदी ही अलग अलग स्टैंड थी हाँ जो अलग स्टैंड थी वह बॉन्ड टुटी पो नतीजे में अलग स्टैंड स्टैंड के चंदी टेम्पलेट ही अलग एक टेम्पलेट ठही मथा एक अलग टेम्पलेट ठहंदी हि टेम्पलेट हि टेम्पलेट ब टेम्पलेट ठहंद टेम्पलेट जो मतलब होंगे इतना ही थी नई स्टैंड अराइज थी टेम्पलेट से गडो गए नई स्टैंड अराइज थी सो ही हेल्प कह नई स्टैंड ठाने में यानी ब टेम्पलेट ठही आ हाँ असेंगे भो थ यानी मसलो आ वो मसलो कड़ो हों पुट तो हि तो जी मतलब अलग अलग थी टुटी आ पर जैसे वरी ये पाने मिली जन तो यो किस्म जो खतरो आ ना यानी किस्म जो है यो गाल किस्म जो प्रॉब्लम किस्म जो मसलो आ तो जैसे हि अलग अलग थियो न हाँ ये पान में मिली न वन हाँ इन मिलन के रोकने के लिए एक प्रोटीन होंगी वह ऑटोमेटिक प्रोटीन ठहंदी वह न्यूक्लियस के अंदर वो इन जगह अची वी जो कम हों उनको कम हों जे ब चेनू आन ब टेम्पलेट आने पा में मिलन नींदी है यानी इन प्रोटीन जो नालो हों सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यानी एस एस बी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो नालो इनके ींदा तो ये कहती है प्रिवेंट कहती है यानी टू प्रिवेंट रीयूनियन ऑफ टू टेम्पलेट स्ट्रैंड जो ब टेम्पलेट स्ट्रैंड अलग अलग थी पा में मिलाने का कहती है प्रोटेक्ट कहती है या प्रिवेंट कहती है बचाई इतने बची वही हेडा इन पास का प्रोटीन अची वी हेडा एस एस बी प्रोटीन अची वी हि एस एस बी प्रोटीन कहती है बिन टेम्पलेट के मिलाने का प्रिवेंट कहती है बचाई सो हेसी ती तबर हाँ तक बुधा ब टेम्पलेट ठही आड़ू इनके थोड़ा वो कराइंदी तो तक समझ में गाल अची वी सो ऐसो बबल भी ठही है रिप्लीकेशन फ्रॉक भी ठही है सो हाँ जो नेक्स्ट स्टेप इन वो नेक्स्ट स्टेप हों जी अस चाहूँ पॉलीमराइजेशन जो नंबर टू पॉलीमराइजेशन तो पॉलीमराइजेशन जो सेकंड स्टेप हाँ पॉलीमराइजेशन जो फेज आनमें हिन में जो पॉलीमरेज एंजाइम आलिम डीएनए पॉलीमरेज वो इन में घो वर्क कहो कम कह हाँ तक ये स्टैंड ब नजर इंदू अलग अलग थी व्यू एक हेरे छिकी वही बी हेरे छिकी वही रिप्लीकेट करने के लिए यानी प्रोसेस के पॉलीमराइजेशन के स्टार्ट थे एक प्राइमर की जरूरत पड़ी है यानी एक प्राइमर हों इनिशियल हों शुरुआती अड़ो स्ट्रक्चर होंगी है जैसे अस प्राइमर चाहता हूँ दिस इज प्राइमर ही प्राइमर छा हों ही शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए हों आरएनए जो टुकड़ो हों अटैच हमेशा थ्री कार्बन जगह से जिते थ्री कार्बन हों ऐसो ना ये थ्री कार्बन एक थ्री टू फाइव ठही है डायरेक्शन में भी फाइव टू थ्री ठही है तो प्राइमर अटैच कि हमेशा थ्री कार्बन की जगह से सो ये थ्री कार्बन आ शुरुआत में ही अटैच थी जी मेल ही अटैच थी अटैच थे है नतीजे में जो पॉलीमर डीएनए पॉलीमर एंजाइम आ वो कह डीएनए पॉलीमर एंजाइम इतना नई एक
न्यूक्लिएट जेके है न्यूक्लियोटाइड्स आन जेके सेल जे अंदर पेन पूरा सेल जे अंदर प्रोसेस थे तो इन एड कामू यानी जो सी आने पॉइंट का इन जी एस जी आ तो सी न्यूक्लियोटाइड ए तो टी ऐसो नई एक चेन ठे थी पी न्यूक्लियोटाइड एड कहे केर तो कहे डीएनए पॉलीमरेज थ्री डीएनए पॉलीमरेज ऐसो ठाई तो हो पास हि डायरेक्शन ये हल पी कंटिन्यूसली अच्छा इन डायरेक्शन में अचे तो पो केर तो ठाई अचे पो डीएनए पॉलीमरेज थ्री सो टी आ जी आ सी सी आ जी ग्वाइनिन साइटोसिन थायामाइन आ एडिनिन एडिनिन आ थायामाइन ही एकड़ी चेन ठहंदी अचे पी ऐसा चेन अगर जो इन शो क्यों इन चेन के जी डाटर सेल डाटर चेन ठहंदी अचे पी इन डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेन ठे थी पी ठे पुट कंटिन्यूसली चेन इनके चबो है दिस इज अ लीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड माने का चंदा या कंटिन्यूसली ठे थी कोई भी विच में रुकावट कोने ते कर या लीडिंग स्ट्रैंड तो ये कंटिन्यूसली ठहंदी इंदी ये केर ठहराइंदो अचे तो पियो केर तो एड कराइंदो न्यूक्लियोटाइड केर कराइंदो अचे तो पियो डीएनए पॉलीमरेज थ्री अच्छा ही किथा तो आने पियो सेल जे अंदर पयान उतां खणी करे फिट कंदो वञे पियो इनन के जेको आसो एड कराइंदो वञे पियो ठीक आहे ही एक नई स्टैंड पोइ जेकी स्टैंड नई ठहे थी पई उहा ठहंदी आहे फाइव टू थ्री डे यानी फाइव टू थ्री तो तव्हांखे ख़बर आहे मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो हो त जेकी रिप्लीकेशन थींदी आहे उहा स्टार्ट थींदी आहे फाइव टू थ्री यानी जेकी रिप्लीकेशन थींदी आहे उहा फाइव टू थ्री स्ट्रैंड थींदी आहे पोइ ॾिसो फाइव टू थ्री रिप्लीकेशन थींदी अचे भई केरु थो करायो वञे डी एन ए पॉलीमरेज थ्री पोइ हे जीअं हे अॻिते कराईंदो वेंदो हीअं त हीअ छा कंदो आहे जेको तव्हांखे मां ॿुधायो त डी एन ए गरेज़ आहे हीअ छा कंदो आहे जेके ट्रंस आहिनि डी एन ए जे अंदरि उहो खोलींदो वेंदो आहे ऐं जेके ट्रंस हाणे खुली वेंदो त छा ठहींदो बबल ठहींदो त बबल जे विच में बांड उहो बांड केरु थो टोड़ींदो वञे हेलिकेस हेलिकेस सीज़र वारो कमु थो करे उहो बांड टोड़ींदो वञे पियो हीअ वकड़ खोलींदो वञे पियो ऐं जेकी चेन आहे जेकी नई ठहे थी पई उहा जेकी चेन आहे उहो केरु थो ठहिराए पियो डी एन ए पॉलीमरेज थ्री हीअ रिप्लीकेशन आहे अच्छा लीडिंग स्टैंड ठहे थी पई जैमें कंटिन्यूसली स्टैंड ठहे थी हाँ इन पास ना तो थी वो इन स्टैंड जो हले थी पई कंटिन्यूसली हि रिप्लीकेट थे थी पई मसलो थींदो आहे फाइव टू थ्री कार्बन चेन वाली जी स्टैंड आ हाँ थींदो छा नतीजे में तव्हांखे ख़बर आहे त जेको प्राइमर आहे इन जी जेको आहे सो कमज़ोरी आहे त इहो हमेशह थ्री कार्बन अटैक थींदो आहे त हिते फाइव आहे टर्मिनल ते त हिते अटैक कीअं करे या हिते अटैच कीअं थिए हिते ईंदो ई न सवाल ई पैदा न आहे पोइ असां ॾिसंदासीं त किथे न किथे इन स्टैंड में थ्री कार्बन तो होंद छो तो ये पूरी पेंटोस शुगर की ठहल आ उन कार्बन में थ्री टू फाइव चेन पाने मिले होंगी किथे न किथे थ्री कार्बन होंद सो ऐसी तो इन जगह से तांगे थ्री कार्बन नजर अची वो जिते तांगे थ्री कार्बन नजर अची वो तो उन जगह से तुम प्राइमर अची अटैच थींदो जेॾी महिल प्राइमर अटैच थींदो त जेको डी एन ए पॉलीमरेज़ आहे इहो छा कंदो एक्टिव थी वेंदो उन एक्टिव जे करे जेके हे न्यूक्लियोटाइड हुन जे भरिसां एड कंदो वेंदो यानी साइटोसिन आहे त ग्वाइनिन थायामाइन आहे त एडिनिन ग्वाइनिन हीअं हिकिड़ी चेन टुकड़ो ठाहींदो हिकिड़ो हे टुकड़ो ठाहींदो उन खां अलावा हिते वरी ॾिसंदो हाणे कुझु जंप करे काफ़ी जंप वग़ैरह न्यूक्लियोटाइड खे क्रॉस करे वरी ॾिसंदो किथे थ्री कार्बन चेन हुजे थ्री कार्बन कंपाउंड हुजे यानी थ्री कार्बन जो स्केलेटन हुजे त हिते ॾिसंदो त हिते थ्री आहे इते वरी अॼु छा थींदो आहे प्राइमर अटैच थींदो आहे जंहिंमहिल प्राइमर हिते अटैच थींदो आहे त नतीजे में जेको तव्हांजो डी एन ए पॉलीमरेज़ आहे इहो न्यूक्लियोटाइड खणी ईंदो आहे ऐं एड कंदो वेंदो आहे यानी सी आहे त जी आहे ए आहे त टी टी आहे त ए हीअं हिकिड़ी नई चेन हिन पासे खां बि इन डायरेक्शन में ठहंदी ठीकु आहे हिन डायरेक्शन में ठहंदी नई चेन नओं टुकड़ो ठहियो नतीजे में हाणे हीअ छा थींदा हीअ टुकड़ा टुकड़ा ईअं नंढा नंढा फ्रेगमेंट ठहंदा था उन टुकड़नि खे चइबो आहे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स छो था चऊं त इहो हिकिड़ो साइंसदान हो साइंटिस्ट हो जंहिं इहा डिस्कवर कई हिन शइ खे इन्हनि टुकड़नि टुकड़नि खे ॾिठो हो हुनजो नालो जेको आहे सो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स रखी छॾियो अच्छा हाणे हीअ टुकड़ टुकड़नि में ठहंदो हाणे ॾिसो हेॾां बि चेन ठहे थी टुकड़ टुकड़नि में डिसकंटिन्यूसली छे होॾे कंटिन्यूस ठहे पई जेकी हीअ चेन ठहंदी आहे यानी हीअ जेकी स्ट्रेन नई ठहे थी पई डी एन ए जी हिनजो नालो हूंदो आहे लेगिंग छा पुट लेगिंग स्ट्रैंड चवंदो आहे जेकी छा थी ठहे डिसकंटिन्यूसली मतिलबु लिखंदासीं त डिसकंटिन्यूसली जेकी स्ट्रैंड ठहे थी पई डी एन ए जी डाटर स्ट्रैंड जेकी ठहे थी पई उनखे असां छॾींदासीं जेकी टुकड़ टुकड़ में ठहे थी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में ठहे थी पई सो
ये ठहंदी टुकड़ा हाँ ही असल में रिप्लिकेशन यहाँ ही हाँ आखिरी स्टेज अची वी जो तंजाइम तक बुधा हो जो नालो हो डीएनए पोलीमरेज वन जो तक बुधा तो टर्मिनस पॉइंट में टर्मिनल पॉइंट में सो टर्मिनेशन अची वही है जो कम हों रिमूव कराइन है कें प्राइमर के हि अची कर दिस इज द एक्सो न्यूक्लियस बिन्हीं के पढ़बो जो सो पोलीमरेज वन एंजाइम बिन्हीं के पढ़बो हि इतना इन जिथे जिथे तहां जो प्राइमर आयो हो उन प्राइमर के खत्म कर प्राइमर हटाई हाँ ये जी चेन ठही इन चेन के अलावा तो प्राइमर के रिमूव करा छी उन चेन के थोड़ो अगत हिं बदराइंदो हेडो वाली जी उनके भी हिं बदराइंदो हिं चेन के पान में थोड़ो क्लोज कराइंदो कें जो कम है अदर न्यूक्लियोटाइड एड थींदा वेंदा उनमें ठीक है ए त जी ए त टी ए सी हिंसा ठहंदा नतीजे में मिलाई पा में पर उनके बाइंड न कंदो भरसा आनी क्लोज आनी बिन स्ट्रेन के ओकाजागी फ्रिगमेंट के पा में क्लोज आनी पर ज्वाइन न कंदो ज्वाइन वो जो कम आ जी टूटी है लगेज एंजाइम की लगेज एंजाइम अड़े किस्म जो एंजाइम आको बाइंड क्वाइन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जी टुकड़ा टुकड़ा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टाया हुआ इनके ज्वाइन क्वाइन कें ज्वाइन कर सो हि एक स्ट्रेन ठहंदी जी ठहंदी किथा पुट फाइव टू थ्री हिं एक स्ट्रेन ठहंदी तो ये चेनू पा में मिक्स जो मिक्स कहो मिलाई वो ज्वाइन कहो उनके चब डीएनए लगेज एंजाइम जो गिलूवारो कम कह सो एक चेन तक ठही लैगिंग स्ट्रेन बी तेन ठही लीडिंग स्ट्रेन तो रिप्लिकेशन थी वही एक डीएनए के मालिक्यूल्स में ब डीएनए जहाँ मालिक्यूल्स ठही है ठीक है सो दिस इज द डीएनए रिप्लिकेशन सो इनशाला उम्मीद क्यों तक थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया हों नेक्स्ट लेक्चर में तक इनशाला अना पढ़ाबो सो ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़।